एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह से MI के मोबाइल में एडवर्टाइजमेंट ब्लॉक कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा MI के मोबाइल में जैसे फाइल मैनेजर हो गया, MI म्यूजिक हो गया, सिक्योरिटी ऐप हो गया, इन सब में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है जब भी हम ओपन करते हैं ऐप्स। तो यहाँ पर मेरे पास MI का मोबाइल है, तो चलिए जानते हैं किस तरह से एडवर्टाइजमेंट ब्लॉक कर सकते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे सेटिंग और फिर आपको जाना है थोड़ा सा नीचे, एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इसको कर लेंगे हम ओपन। ओपन करने के बाद फिर हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑथराइजेशन रिवोकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं MSA नाम का एक ऐप देखने को मिलेगा, तो इस पर हमें एक बार क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर रिवोकेशन ऑथराइजेशन करके आएगा। तो यहाँ पे 10 सेकेंड हमें इंतज़ार करना है, 10 सेकेंड इंतज़ार करने के बाद इसमें रिवोक पर क्लिक करेंगे और फिर बैक कर देंगे। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी, इसको भी हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड सर्विसेज और इसको भी हम कर देंगे डिसेबल। जब भी आप अपने मोबाइल में कोई ऐप या गेम इंस्टॉल करते होंगे तो आपने देखा होगा स्कैनिंग के टाइम एडवर्टाइजमेंट आ जाता है बीच में बड़ा सा, तो उसको भी कैसे डिसेबल करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले कोई भी ऐप या गेम छोटा सा डाउनलोड पे हम लगा देंगे। डाउनलोड पे लगाने के बाद यहाँ पे स्कैनिंग वाली प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर डिटेल के नीचे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर ऊपर हम सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिसीव रिकमेंडेशंस, इसको कर देंगे हम ऑफ। अगली बार जब भी कोई ऐप या गेम इंस्टॉल करेंगे आप तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट अब आपको नहीं दिखाई देगा। और फिर हम ओपन करेंगे सिक्योरिटी ऐप, सिक्योरिटी ऐप में भी हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिसीव रिकमेंडेशन, तो इसको भी कर देंगे हम ऑफ। और फिर यहाँ पर हम ओपन करेंगे डीप क्लीन और इसकी भी हम सेटिंग में जाएंगे और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिसीव रिकमेंडेशंस, तो इसको भी कर देंगे हम ऑफ। तो अगली बार आप डीप क्लीन करेंगे या सिक्योरिटी ऐप ओपन करेंगे तो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा। और फिर हम ओपन करेंगे ऐप लॉक, ऐप लॉक ओपन करने के बाद इसकी भी सेटिंग में हमें जाना है और यहाँ पर भी आपको वही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिसीव रिकमेंडेशंस, तो इसको भी कर देंगे हम ऑफ। तो ऐप लॉक में भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। और अब बारी आती है थीम ऐप की। थीम ऐप के बारे में तो सभी को पता ही होगा, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आता है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे माय प्रोफाइल पर और फिर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद रिकमेंडेशंस को कर देंगे ऑफ। तो अगली बार जब भी आप ओपन करेंगे थीम ऐप तो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा। और फिर यहाँ पर बारी आती है हमारे फाइल मैनेजर की। आपको पता ही होगा फाइल मैनेजर में भी एडवर्टाइजमेंट आता है, तो यहाँ पर हम ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और फिर इसकी सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर अबाउट में जाएंगे और फिर यहाँ पर रिकमेंडेशंस को कर देंगे ऑफ। और फिर हम ओपन करेंगे म्यूजिक ऐप और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऊपर 3 लाइन पर और फिर क्लिक करेंगे हम सेटिंग्स में और फिर क्लिक करेंगे हम एडवांस्ड सेटिंग्स में और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिसीव रिकमेंडेशंस, तो इसको कर देंगे ऑफ। और फिर हम ओपन करेंगे MI वीडियो ऐप, यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट हमको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे प्रोफाइल पर और फिर सेटिंग्स में और फिर यहाँ पर ऑनलाइन रिकमेंडेशंस को कर देंगे हम ऑफ। और आप MI वीडियो के नोटिफिकेशन से परेशान है तो पुश नोटिफिकेशंस को भी ऑफ कर देंगे, तो कोई भी नोटिफिकेशन आपको MI वीडियो ऐप की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा मोबाइल पर। और अब हम ओपन करेंगे MI ब्राउजर ऐप और ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और फिर सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा देखने को थोड़ा सा नीचे, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, और फिर यहाँ पे पर्सनलाइज्ड सर्विसेज को कर देंगे डिसेबल। तो यहाँ पे रिकमेंडेड कंटेंट और एड्स देखने को नहीं मिलेंगे फिर MI ब्राउजर में।
ऐप वाल्ट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐप्स देखने को मिल जाते हैं और गेम्स देखने को मिल जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के रूप में। तो ऊपर हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रिकमेंडेड सेटिंग हटा देंगे और जॉयस्टिक से हटा देंगे तो यहाँ पर भी हमें कोई एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर मूवमेंट में आप देख सकते हैं ट्विटर की कुछ मूवमेंट्स दिखा रहा है, इसको भी आप हटा सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से। और बाकी आप अपने हिसाब से जो चीज़ें हटाना चाहते हैं वो हटा सकते हैं। तो यहाँ से भी सारे एडवर्टाइजमेंट ख़त्म हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं एकदम क्लीन हो चुका है। और अब अगर हम बात करें डाउनलोड ऐप की तो इसमें पूरे भर भर के एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ सामने, अभी थोड़ी देर में पूरा पेज भर जाएगा एडवर्टाइजमेंट से, ये आप देख सकते हैं सामने। तो इसे डिसेबल करने के लिए ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और फिर सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सो रिकमेंडेड कंटेंट, इस पर एक बार क्लिक करेंगे, डिसेबल कर देंगे, टर्न ऑफ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मुझे यही बताना था, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ऐसे ही और टेक से रिलेटेड वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।